जयपुर में डीएनएन की खबर का असर हुआ है। जहां यहां 45 डिग्री तापमान के बीच नटकुआ में ग्रामीण पानी के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे थे। इस खबर को डीएनएन ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिला सीईओ आरपी अहिरवार के टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही एसडीएम ने नगर पालिका की पाइपलाइन से गांव को पाइपलाइन जोड़ने के निर्देश दिए थे। नकटुआ की महिलाएं लगातार प्रशासन से शिकायत कर रही थी। स्थिति ये आ गई थी कि महिलाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने रेल रोको आंदोलन तक करने की धमकी दे दी थी। प्रशासन चेता आज ग्राम पंचायत नकटुआ में एसडीएम महोदय, पीएचसी विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी आज ग्राम पंचायत नकटुआ में आए। सभी वार्डों का उन्होंने भ्रमण किया और संबंधित अधिकारी को एक रामनगर बर्गी कॉलोनी में एक ट्यूबवेल, एक शांतिनगर में ट्यूबवेल और जो पाइपलाइन जो सरपंच महोदय द्वारा जो बिछवानी थी, अब वो पाइपलाइन पूरी पीएचसी विभाग द्वारा बिछाई जाएगी। जो महिलाएं उग्र हुई थी उनके कारण जो चेतावनी दी हुई थी उनने, उस कारण प्रशासन आया आज और प्रशासन हरकत में आके पानी की समस्या जहाँ तहाँ कम हुई काम चालू कर दिया उन्होंने और तत्कालिक व्यवस्था कर दी गई है। वो नगर पालिका की लाइन से ग्रामीण की लाइन जोड़ दी गई। नहीं, पानी की समस्या का हल कर दिया हमने। जो अभी बताया ने कि इसको जोड़ना है, पानी की टंकी भी साफ करवा देंगे और जो सरपंच द्वारा जो काम कराया जा रहा है उसका पाइपलाइन का, वो भी आज से प्रारंभ हो जाएगा। 5-6 दिन में पानी की समस्या हल कर देंगे यहाँ की। वही बेमतरा जिले के किसानों को बीमा